वीक टीम ग्रेटर नोएडा। आज का जो सेशन होगा फ्रेंड्स वो होगा असाइनमेंट प्रॉब्लम का बेस्ड, की असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है और आज इसका एक क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था कि मतलब हम लोग किसी जगह पे जो हम लोगों को डिमांड की जाती थी प्रोडक्ट को देने की कोई भी प्लांट को, तो वो उस लिमिटेड टाइम में डेस्टिनी तक उस जगह तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करना होता था और उसको उसकी वो डिमांड भी पूरी हो जाए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही एक पार्ट है असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे इसको हम लोग करते हैं और क्या होता है, क्वेश्चन में ही हम समझाएंगे कि ये कैसे होता है। तो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन लेते हैं पहले। इसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम हैं, ओके। ये यहाँ पे जॉब दिया हुआ है और ऊपर मशीन्स लिखी है और यहाँ पे आर्स दिए हुए हैं, 3R, 4R, 2R, 1R, 3R, 7R, 2R, 5R, 4R, ओके। अब हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये जॉब 1 है, ये जॉब 2 है, ये जॉब 3 है और ये मशीन 1 है। मशीन 1 पूरा मशीन नहीं लिखते, M1, M2, M3 नेम दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब किस जॉब को हम कौन सी मशीन दे। देखिए जॉब 1 जो है वो मशीन 1 से किया जाए तो 3 आर्स में कर लेगा काम। जॉब 1 मशीन 2 से करवाया जाए तो 4 आर लगेंगे, जॉब 1 मशीन 3 से करवाया तो 2 आर। तो इसी तरह जॉब 2 के लिए, जॉब 3 के लिए। तो हम लोगों में ये देखना होता है, ये असाइन करना होता है कि कौन सी मशीन को कौन सा जॉब दिया जाए कि मिनिमम टाइम लगे, कम से कम टाइम में हमारा काम पूरा हो जाए। और मान लीजिए यहाँ पे टाइम की जगह कॉस्ट भी दिया होता है, ऊपर वर्कर्स दे दिए जाए कि कौन सा जॉब किस वर्कर को किस तरह से दिया जाए, कैसे असाइन किया जाए कि कम से कम कॉस्ट में हमारा काम हो जाए, कम से कम इन्वेस्ट करना पड़े और मेरा काम हो जाए कम से कम कॉस्ट में या फिर कम से कम टाइम में। तो यही है असाइनमेंट, मशीन या जॉब को हम लोग असाइन करेंगे कि कौन से जॉब को किस मशीन को दें, किस मशीन को कौन से जॉब दें जिससे कि हमारा काम मिनिमम टाइम में हो जाए, ओके। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग हंगेरियन मेथड से करते हैं, बाय हंगेरियन मेथड, ओके। सबसे पहले हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए रो, ये जो रोज है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये रोज है हमारी, इसमें हम लोग सबसे पहले लीस्ट वैल्यू देखते हैं, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ओके। तो ऊपर वाली रो में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम वैल्यू 2 है, नीचे फिर सेकंड वाली में 1 है और उस 3 वाली रो में 2 है। तो इस तरह से हम लोग इसमें रो वाइज सब्सट्रैक्शन लगाएंगे, मीन्स रो को रिड्यूस करना होता है, रो वाइज सब्सट्रैक्शन लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे रो को, तो आइए देखते हैं कैसे होंगे सब्सट्रैक्शन इसमें। तो ये 3 माइनस जब 2 करेंगे हम लोग तो ये 1 आएगा, 4 माइनस 2 2, और 2 माइनस 2 करने पे 0 आ जाता है, 1 माइनस 1 1। सेकेंड रो में देखिए 1 सबसे लीस्ट वैल्यू है, तो 1 में 1 करेंगे -0, 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 1 6, ओके। देन 2 5 4, थर्ड रो में 2 5 4, इसमें लीस्ट वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 2 0, फिर 5 माइनस 2 करेंगे 3, और 4 माइनस 2 2। तो ये रो वाइज सब्सट्रैक्शन था, ये मशीन M1, मशीन M2, मशीन M3, ये जॉब 1, जॉब 2 और ये जॉब 3 हो गई, ओके। अब हम लोग देखेंगे इसमें रो वाइज सब्सट्रैक्शन, अब इसी में हम लोग जो आया है उसमें हम लोग अब कॉलम वाइज सब्सट्रैक्शन लगाएंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कॉलम वाइज सब्सट्रैक्शन, जैसे हम लोग रो में देखते थे कि लीस्ट वैल्यू क्या है, ऐसे ही हम लोग कॉलम में चेक करेंगे कि लीस्ट वैल्यू क्या है। तो देखिए इस कॉलम में सबसे लीस्ट वैल्यू 0 है, इसमें 2 है एंड इसमें भी 2 0 है। तो लीस्ट वैल्यू देखते हैं कि क्या है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये इस कॉलम में तो 1 0 0 ही आएगा बिकॉज 0 लीस्ट वैल्यू, यहाँ 0 0 3 0 6 2। अब M1 M2 M3, फिर जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3। अब हम लोग यहाँ करके इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोगों को करना क्या होता है, यहाँ देखते हैं, हर तो हम लोग रह सकते थे बट यहाँ देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 1 0
जीरो 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 थ्री जीरो सिक्स टू। ओके अब यहाँ एम वन एम टू एम थ्री जॉब वन जॉब टू जॉब थ्री। देखते क्या है कि सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इस रो में सबसे कम जीरो है, तो हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड वाली रो में सबसे कम जीरो है, तो उसको हम लोग इनक्लोज कर देते हैं, मीन्स इसको बंद कर देते हैं। इनक्लोज करेंगे फिर हम लोग देखेंगे इस रो में क्या कोई जीरो है, तो देख रहे हैं कि इस रो में कोई जीरो नहीं है। फिर देखेंगे इस कॉलम में कोई जीरो है, तो अगर इस कॉलम में या रो में जीरो मिलता है आगे चलने पर, तो उसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। तो आगे रो में तो नहीं जीरो मिला लेकिन कॉलम में मिला, तो हम लोगों ने क्रॉस किया। अब हम लोग सेकेंड रो में चेक करेंगे, यहाँ एक जीरो है या दो जीरो, तो सबसे कम जीरो जिसमें होता है उसी को इनक्लोज करते हैं। तो इसमें टू जीरोज हैं, इसमें वन है, तो यहाँ ये वन जीरो वाले को इनक्लोज कर देंगे। ओके अब हम लोग आगे रो में चेक करेंगे, तो रो में कोई जीरो नहीं इनक्लोज के लिए क्रॉस के लिए, बट इस कॉलम में क्रॉस करने के लिए जीरो है। अब इस रो में एक ही जीरो बचा है, तो इसको इनक्लोज कर दिया। ओके अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व ऐसे करेंगे कि जे वन में जो वैल्यू है, अब इनक्लोज वाले की वैल्यू हम लोग लिखते हैं, जे वन की जो वैल्यू है वो एम थ्री है। ओके जे टू की वैल्यू जो है वो एम टू है, और जे थ्री की वैल्यू जो है वो एम वन है, मीन्स जे वन की ये देखिए एम थ्री, जे टू की एम टू है, और जे थ्री की एम वन है। अब हम लोग क्वेश्चन से इसकी वैल्यू यहाँ निकालेंगे, तो जे वन की वैल्यू एम थ्री थी ना, जॉब वन की वैल्यू एम थ्री, तो टू हो गया। ओके ये टू, फिर जॉब टू की वैल्यू एम टू, जॉब टू की वैल्यू एम टू लेनी थी तो थ्री लेंगे, और जॉब थ्री की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, एम वन है, तो एम वन हम लोग कहाँ से लेंगे, जॉब थ्री के एम वन यानी टू लेंगे यहाँ पे। तो इसकी जो मिनिमम आवर्स होंगे, मीन कम से कम टाइम, तो मिनिमम टाइम जो होगा थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू सेवन, सेवन आवर्स, मीन्स ये मिनिमम टाइम है, इतने टाइम में हम लोग अपना वर्क पूरा करा सकते हैं, ये मिनिमम टाइम है। तो इस तरह से असाइनमेंट प्रॉब्लम किया जाता है, इस तरह से ये मैथड इसको सॉल्व करने के, इसमें और भी मैथड्स होते हैं। ओके तो फिर आई होप कि आप लोगों को ये भी मेथड समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप सभी को वीक टीम की तरफ से नमस्ते, थैंक यू।